एक्सेस कॉलेज वाले 8-8 हज़ार रुपये ले रहे हैं एग्जाम एडमिशन का। कोई के 7100, कोई के 6200, कोई के मतलब लिमिट नहीं है? नहीं लिमिट नहीं है, मतलब अपने मनमौजी से लेना है एग्जाम। हेलो दोस्तों, जैसा कि नवरात्रि का पहला दिन चलते पूजा करने, उसके बाद फिर खाना पीना खा के क्लास चलेंगे। और चलिए चलते हैं, आज मंदिर भी दिखाते हैं। हृदय की ललिता देवी और उदर में शूलधारिणी, नाभि में कामिनी और कुछ। अभी निकल रहे थे रूम पे और हमारे साथ एक मतलब मेरे सब्सक्राइबर आए हुए, इन्होंने मुझे अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। इनका कॉलेज का एसएस कॉलेज है ना? एसएस कॉलेज जहानाबाद। गर्ल्स का पैसा नहीं लगता है? नहीं लगता है, गर्ल्स और SC ST दोनों फ्री। और कहीं ना कहीं इनके कॉलेज में एसएस कॉलेज में पैसा गर्ल्स से लिया गया, तो हम उन सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं, गर्ल्स को खासकर, कि SC ST आप भी SC ST आते ना, तो SC ST से मतलब जो भी छात्र हैं बुरा मत मानिएगा, कहीं ना कहीं आपके यहाँ पैसा लिया जा रहा है या कोई संस्थान लेता है। अभी सेशन आ रहा है 22-24, उसमें भी फ्री होगा SC ST और गर्ल्स का, जहाँ भी करवाइएगा उन दोनों का फ्री है। तो बोले कि SS कॉलेज वाले 8-8 हज़ार रुपये ले रहे हैं एग्जाम एडमिशन का। कोई के 7100, कोई के 6200, कोई के मतलब लिमिट नहीं है? नहीं लिमिट नहीं है, मतलब अपने मनमौजी से लेना है। एग्जाम फॉर्म में भी यूनिवर्सिटी के द्वारा 500 रुपया कहा गया, 490 रुपया SC ST, 600 रुपया के लमसम जनरल। अच्छा ठीक है, फिर भी उसके जगह पे 1100 रुपया, कोई से 2500 रुपया पहले लिया जा रहा था, तो फिर बवाल हुआ, लेकिन बवाल किया तो फिर 1100-1200 कोई 1500 पे ऐसे ऐसे हुआ भैया। कहिएगा तो हम अभी प्रूफ दिखा सकते हैं भैया, एग्जाम फॉर्म का प्रूफ दिखा सकते हैं भैया। मतलब तो यहाँ से हो रहा 600 का मतलब 1100-1200 से मतलब ले जाते हैं। हाँ भैया, अभी एक सेकंड में हम प्रूफ दिखा देते हैं। देखिए भैया, थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरने में SC ST हम लोग का 490 रुपया लगना था। देखिए कितना लगा है भैया। देखिए ऑनलाइन मतलब सोचिए 490 लगना चाहिए, जो लिया जाएगा कितना 1070 रुपये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और नहीं तो साइड में भी हम मुझे भेज देंगे, आपको दिखा देंगे। ये देखिए सबूत रहेगा तभी आपको लड़ सकता है कुछ किस चीज़ के लिए। और भैया देखिए SC ST का एडमिशन फ्री है, फिर भी ऐसा नोटिस है तुम्हारे पास? हाँ भैया नोटिस है, गया कॉलेज में लिया भी गया है फ्री एडमिशन। और जब यहाँ से हम फोन करवाए तो फिर हमको भी केवल ऑनलाइन का चार्ज लेकर के एडमिशन किया गया था दूसरा का में, लेकिन पहला का में 6150 रुपया लिया गया, 6200। देखिए मतलब जो फ्री था, और कहीं ना कहीं देखिए आपको भाई दिखा रहे हैं, तो ये चीज़ गलती है, और बेफिक्र रहिए, पैसा रिटर्न नहीं हुआ मतलब? नहीं अभी रिटर्न नहीं हुआ है, पैसा रिटर्न नहीं हुआ नहीं। और ये देखिए भैया, दूसरा का सेमेस्टर मतलब सेकंड ईयर में लिए तो 100 रुपया लगा, सेकंड सेमेस्टर में देखिए स्क्रीन के साइड में भी दिख रहा है वो 100 रुपया। तो कहीं ना कहीं पैसा इन सबको वापस होना चाहिए, 1-2 रुपया नहीं है यहाँ, 5-5, 6-6 जाकर, जहाँ मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट से 5000 वसूल रहे हैं कॉलेज वाले SS कॉलेज जहानाबाद, तो मान लीजिए कि 5000 वसूल, आपके पास 100 स्टूडेंट है, तो 100 स्टूडेंट मिनिमम कितने स्टूडेंट होंगे? मिनिमम कम से एक डिपार्टमेंट में कम से कम 25-30 स्टूडेंट है, 25-30 स्टूडेंट है, 6-7 डिपार्टमेंट वहाँ है, 25-30 है, तो 100-150 के बीच लैकन करीब है भैया, मतलब 150 लैकन है, 150 गुना कर लीजिए आप, कम से कम 6200 लिया जाए, मिनिमम रखते हैं मतलब मैक्सिमम 5000। सो ये कितना पैसा, ये मतलब एक तरफ से बहुत बड़ा धांधली है, और कहीं ना कहीं सभी छात्रों को एग्जिट होना पड़ेगा SS कॉलेज जहानाबाद, जितने भी छात्र हैं सबका पैसा रिफंड उनके फंड से करना चाहिए, ठीक। और इनका कुछ समस्या आए थे, मिलने भी आए थे, बहुत देर हम क्लास में थे, लगभग बहुत देर भी वेट किए, और कहीं ना कहीं इनका समस्या का निदान हमारे द्वारा तो किया ही जाएगा, श्योर है। एंड क्योंकि मेरे पास जो भी आएंगे, बस SS कॉलेज जहानाबाद ध्यान रखे, जो भी छात्रों का पैसा, या अभी 22-24 सेशन आ रहा है, ऐसा जहाँ कोई भी कॉलेज का, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मगध विश्वविद्यालय के आसपास कोई कॉलेज का, ऐसा जहाँ परिस्थिति है तो आप मुझे बताएं, आपसे कोई भी पैसा लिया ले रहा है कॉलेज स्टाफ या कॉलेज जो आपको एडमिशन कराने के पर्पज से, क्योंकि 22-24 सेशन आएगा, इसमें भी धांधली चलेगी, और छोटे लेवल की नहीं, एक बड़े लेवल की धांधली चलेगी, लाख की बात नहीं है, 1 करोड़ रुपया वसूला जाएगा छात्रों से। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप सब सपोर्ट कीजिए। और हाँ एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, उसका दोनों सबूत आपके पास रखना पड़ेगा, क्या फी स्ट्रक्चर था, कि आपके पास इतना फी स्ट्रक्चर है, इस फी स्ट्रक्चर से बाहर इसे बता रहे हैं कि हाँ मेरे कॉलेज में इतना है, और हम बताएंगे गया कॉलेज इतना जहानाबाद, मतलब सरकारी कॉलेज है तो सरकारी कॉलेज में तो लेने चाहिए, प्राइवेट है तो आप मनमाना कर सकते हैं, बाकी सरकारी कॉलेज में किसी का नहीं मनमाना चाहिए। फाइनेंस के नाम पे लिया जाता है, सेल्फ फाइनेंस के नाम पे, जबकि यहाँ यूनिवर्सिटी से बोला जाता है कि सेल्फ फाइनेंस नहीं है, गलत है, 0 रुपया लगेगा, केवल ऑनलाइन का चार्ज लगेगा 100 या 200 रुपया, जो भी आपका ऑनलाइन है, 200, 500, 1000, 2000, 20000, 50000, 1 लाख, जो भी वो अलग चीज, जो भी हो आपका, बट ये सेल्फ फाइनेंस यहाँ बोला था, वहाँ से बोला कॉलेज बोला था सेल्फ फाइनेंस है, और यहाँ आके पता करते हैं मुख्यालय में तो बोलता है कोई सेल्फ फाइनेंस नहीं है, नहीं है।
तो आप सोचिए इस तरह का धांधली है SS कॉलेज जहानाबाद का। ठीक है ठीक है, आपने उस भाई को सुना भी देखा भी होगा। ठीक, तो मैं बस सभी से यही कहना चाहता हूँ, मेरा किसी कोई पर्पस नहीं है किसी का दिल दुखाना, नहीं दुखाना मैं चाहता हूँ, बस मैं सभी से बोलूँगा कि जो सही है जो सही है, जिसके लिए छात्र आवाज़ उठाएंगे तो उनके साथ पंकज मगध हमेशा खड़ा रहेगा। और जैसे देख सकते मगध विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण सब चीज़ हो ही रहा है, कोई हंगामा नहीं, जब हंगामा नहीं तो समझ लिया कि सब चीज़ सही हो रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जिस टाइम आंदोलन होता था, मतलब रिजल्ट पर असर नहीं होता था, सब चीज़ तो सिस्टमेटिक ढंग से चल ही रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो समय लगने पर, जैसा कि बताया कि 21 दिन तक पंकज हमें टाइम दीजिए, पेंडिंग रिजल्ट को क्लियर करेंगे, तो वैसे वालों को तो बस उसके बाद भी हम आपको बताते हैं कि जो भी रिजल्ट है, सब लोग कहते हैं कि कब आएगा PG का मेरिट लिस्ट, तो हम बता दे रहे हैं कि आपको 19 तारीख को इलेक्शन है गया में, उसके बाद ही आने की संभावनाएं हैं। संभावनाएं मैं भी इसलिए बोलूँगा, सब लोग कहते हैं झूठ वीडियो बनाते हो, संभावना इसलिए मुझे कंफर्म भी बोल देंगे ना कि 5 तारीख को दे रहे हैं, 4 तारीख को दे रहे हैं, 20 तारीख को दे रहे हैं, मैं अब कंफर्म डेट आप सभी को नहीं बताऊँगा। ठीक, संभावना इसलिए पूछेंगे, मिले भी नहीं सर से, पूछ के ही बता सकते हैं, क्योंकि पता चला है कि बहुत लोग बोले कि 19 को के बाद ही आएगा। ठीक, तो चलते हैं रूम पे, क्योंकि समय हो गया है, बज गया है, और फिर उसके बाद खाना पीना बनाना है, खाना है। ठीक है, तो वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और एक बहुत ही जो पेंडिंग रिजल्ट से क्या मुद्दा है इसके ऊपर भी वीडियो बनाने जाएंगे, अभी टाइम लगेगा उसमें, तो 11 के बाद तो विश्वविद्यालय बंद रहेगा, उसके बाद कोशिश करते उसके बीच में। ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और वो भी रिजल्ट है जो आपको PhD वाला रिजल्ट, वो भी इलेक्शन के बाद आएगा 110%। ठीक ठीक है।